Assalamualaikum viewers, Technical Asif Jafar में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है काइनमास्टर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी गाइज, आप काइनमास्टर को ओपन करके न्यू फाइल पर जाएँ और इस साइज को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप मीडिया में जाएं और उस फाइल को सिलेक्ट करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। मेरी वो एक्सपोर्ट में पड़ी है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और ओके। ये मेरी फाइल है, वो जहां पे वो जंप करता है वहां तक हम इसे रख लेते हैं। मुझे वो चाहिए इतनी, तो हम यहां पे कर लेते हैं इसे कैंची में जाकर स्प्लिट। और अभी इसका वो हिस्सा ले लेते हैं जहाँ पर ये स्क्रीन बिल्कुल खाली है, और आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से कर लें आप कैप्चर एंड ऐड क्लिप। जी अभी ये हिस्सा मेरे पास फ्री है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। जी गाइस, अभी जहाँ पे जंप किया उसने ये वाला पार्ट, इसे हम कर लेते हैं कैप्चर एंड सेव। अभी अपने काइन मास्टर को मिनिमाइज कर लें, इसमें आप इसका बैकग्राउंड कट करेंगे। वो मेरे पास है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंजर, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस इमेज को ओपन करें और जितनी चाहिए हम उतनी रख लेते हैं, हमें यहाँ तक चाहिए। उसके बाद आप इसे कर दें सिर्फ ओके, ऑटोमेटिक ये खुद ही तमाम बैकग्राउंड को ख़त्म कर देगा। ये इसका ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसके अलावा और ख़त्म करना चाहते हैं तो इस डॉट से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। दोबारा अपने काइन मास्टर को ओपन करें। अब यहाँ पर लेयर में जाएं और मीडिया और उस इमेज को सिलेक्ट करें जो हमने वहाँ पे क्रिएट की थी। जी अभी इसे इसको ऊपर एडजस्ट कर लें साइज़ के लिहाज से अच्छी तरह से। अभी आप चाबी पे क्लिक करें, उसके बाद इसे आगे मूव करके इस प्लस को क्लिक करके हम तस्वीर को नीचे भेज देते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड स्लो है इसकी, आप इस तस्वीर के साइज को छोटा कर दें तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हम यहाँ पर उस तस्वीर को लेके आते हैं जिसके जहाँ पर कोई नहीं था। इस फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज हम यहाँ से जाके इस टाइप कर देते हैं। उसे पकड़कर थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं। जी इसके बाद यहीं पे हम अपना उस पानी वाले लेयर को लेके आते हैं। जी इसे सिलेक्ट किया हमने और इसे भी उसके लिहाज से एडजस्ट कर लिया। इससे पहले क्रोमा की को ओपन करते हैं, हम सिलेक्ट करें और क्रोमा की में जाएं, इनेबल कर दें और अपने लिहाज से पहले से एडजस्ट कर लें इसके कलर को। इसे एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर रखते हैं, इसे देखते हैं जैसे हम जंप करेंगे तो तभी ये आए। अभी आप जरा इसे आराम से सिलेक्ट कीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। जी इसके बाद आप यहाँ पर जाएं और इसे एक्सपोर्ट कर दें फाइल को। आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।